कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है और वो मैं कारण बताने की कोशिश करूंगा। देखिए 26/11 क्यों हुआ था, 26/11 इसलिए किया गया था ताकि उसको हिंदू टेरर का जामा पहनाया जा सके। कौन उसका उसको जामा पहनाना चाहता था? वो राजनीतिक ताकतें जिनको कि बीजेपी या जो ये ऐसी पार्टियां जो हैं आरएसएस के जो आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं उसको बैन कर सकें। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पाकिस्तान के जो जिहादी तंजीमें हैं खास करके लश्कर ए तोयबा उनसे मिलाप किया। कैसे मिलाप किया? दाऊद इब्राहिम के मार्फत से इलाज किया, मिलाप किया। दाऊद इब्राहिम का क्या रोल है इस कंट्री में? तो आपको मैं बता दूं कि तीन चीज़ें दाऊद इब्राहिम कंट्रोल करता है इस कंट्री में काफ़ी हद तक। एक राजनीति, आपको मालूम होगा आपने कई डिबेट्स में भी देखे होंगे कुछ लोगों का जिक्र आता है जब दाऊद इब्राहिम की बात होती है कुछ राजनेता को, तो यहाँ का वो राजनीतिक पर उसका नियंत्रण है काफ़ी हद तक। उसका नियंत्रण बॉलीवुड पर भी है, बॉलीवुड पर यहाँ तक नियंत्रण है कि आपने अगर आप पुराने कुछ विजुअल्स देखें तो आप तमाम देखेंगे कि कई एक्टर एक्ट्रेसेस कौन उसके यहाँ जाते थे और नाचते गाते थे। ठीक है, दाऊद इब्राहिम का नियंत्रण यहाँ तक है कि एक दौर था जबकि आपके बॉलीवुड में भजन बहुत बन रहे थे और उसमें एक जो आपके गुलशन कुमार थे स्वर्गीय गुलशन कुमार उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें, उन्होंने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी और उसके बाद से आप बॉलीवुड के पृष्ठभूमि पे अगर आप जाएं तो एक भी भजन नहीं बना है किसी फिल्म में। ठीक है, वो अल्लाह मौला ये सूफी वाले गाने बनते हैं लेकिन एक भी भजन नहीं बना है। वो वही बॉलीवुड है जहां पर कभी वो सबसे मशहूर भजन, और आप सब मेरे से इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर फिल्मों में कोई सबसे अच्छा भजन अभी तक बना है तो वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। गाने वाला कौन था? मोहम्मद रफ़ी। संगीत किसने दिया था? शकील बदाई। लिखा किसने था? शकील बदाइयों ने। और संगीत किसने दिया था? नौशाद ने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कौन थे, ये नौशाद मोहम्मद रफ़ी, कहाँ से इन्होंने ये संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था, या अभी का एआर रहमान। मैं बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी ऑर्गेनाइज करते थे ये क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट्स, तो हमारे घर में भी कुछ आर्टिस्ट आके रहते थे, तो मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती थी और आज भी। ये बात आप देखना कि बेगम परवीन सुल्ताना जब गा रही है तो आपको बहुत थोड़े मुसलमान भाई मिलेंगे, या कोई भी कॉन्सर्ट आप देख लो कुछ दो चार लोग जो संगीत के हैं, लेकिन भाई अगर आपका जैसे मैं देखता हूँ ये एक नामधारी जो तबला बजाते हैं बहुत अच्छा, उनका जब भी कॉन्सर्ट होता है यहाँ पे नेहरू पार्क में तो मैं देखता हूँ कि तमाम 300-400 की संख्या में नामधारी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन मुझे ये हैरानी होती है कि ये जब ये क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं तो ना मुझे दाढ़ी दिखती है ना बुर्का दिखता है। आप इस बात पे गौर करना,
वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी संगीत को हराम मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की धरोहर है। और ये जितने आपके जिनका मैंने नाम लिया, ये जितने क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, ये सब के सब किसी जमाने में ये हिंदू थे। और क्योंकि ये मुसलमानों का जब राज आया तो उनको पेट्रनेज नहीं मिला कोई भी आर्टिस्ट, क्योंकि हिंदू तो भाग रहे थे, उनको पेट्रनेज देने वाला कौन था? शासन करने वाले तो कुछ और लोग, कोई और लोग थे। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करना और इस्लाम मानने में बहुत अंतर होता है। निकाह कबूल करना और पति मानना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ मैंने जब देखा तो ये एहसास हुआ कि ये लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये कहीं पे ये हिंदू परंपरा से ये जुड़ी हुई चीज़ है। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी जंगली था। मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज आया तो वो भी जंगली था। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो आज ये तमाम कॉलेज और स्कूल्स और कॉन्वेंट्स, इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमिनन, ठीक है, वो भी हमारे सामने ही सिविलाइज्ड हुए, ठीक है। तो जब वो आए, उनका कब्जा हो गया, तो धीरे धीरे जो हमारे ये राजा महाराजा थे उनके हाथ से पावर तो निकल गई, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनकी जागीर थी और उन्होंने पेट्रनेज दिया ये म्यूजिशियंस को। और उसमें ये तमाम म्यूजिशियंस जो हैं आज के जो नाम जो माने जाने वाले जो नाम हैं, वो सब उनको संरक्षण दिया, उनको पेट्रनेज दिया और उनको प्रोत्साहन दिया। और तभी ये घराने बने, जैसे जयपुर घराना हुआ, ग्वालियर घराना हुआ इत्यादि, इंदौर घराना हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, सरकारें जो होती हैं उनका क्या काम होता है? सरकार का काम होता है देश की सुरक्षा। और देश की सुरक्षा किस लिए? देश की संस्कृति की सुरक्षा। और देश की जब संस्कृति की सुरक्षा, मैं यहाँ पे अभी बरेली में था तो एक शख्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जान लीजिए कि जितने इन्फीरियर रेसेस होते हैं, इन्फीरियर मतलब जब हम सिविलाइजेशनल उसके यार्ड स्टिक पर उसको लेते हैं मापदंड पे, तो ये जंगली लोग ही आप पर आके कब्जा करेंगे। क्योंकि जंगली को वो बात बहुत ख़राब लगती है कि आप ऐसे इतने अच्छे तरीके से बोलते क्यों हो, इतने अच्छे तरीके से खाते क्यों हो, इतना अच्छा गाना क्यों सुनते हो उनका, तो वो एक उनको कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको अपने स्तर तक नीचे लाना है। और वही मुस्लिम रूलर्स ने किया और वही अंग्रेजों ने किया हमारे साथ। अब आप लोग यहाँ पे हैं, आपको मैं 10 क्रिमिनल्स के कंपनी में मैं डाल देता हूँ। हो सकता है आप आधे घंटे तक कुछ बात बात करके अपना किसी तरह से कन्वर्सेशन आप स्थापित कर लोगे, थोड़े देर के बाद आप कहोगे कि मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर, ये कौन लोग हैं, ये कैसे ये जंगली लोग। तो आपको उसी तरीके से जब हमारे बीच में ये जब लोग आए जो बाहर से, ये जो हमलावर आए मुस्लिम्स आए, फिर ये आपके अंग्रेज आए, तो वही हालत हमारी थी। अब आप सोचो कि जो भागती हुई सभ्यता हो या जो सभ्यता अपने आप को बचाने में लगी हुई हो, वो सभ्यता पनप कैसे सकती है? वो सभ्यता पनप कैसे सकती है?
वो तो अपने आप को बस बचाने में लगी हुई है। तो हम पिछले 1000 साल से बस हम वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो ताकतें जो हैं, जो ताकतें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भजन नहीं वो होने देना चाहते थे, जो यहाँ पर अभी भी उनकी वो अंग्रेजी माइंडसेट है कि यहाँ पे रूल करना है तो कैसे रूल करें, तो उन्होंने पाकिस्तान से मिलके 26/11 करवाया। उसको हिंदू टेरर बनाने की वो थी। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो आपको सबको मालूम है कि उसका क्या अंजाम होता। वो हिंदू टेरर की बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। और आपको मालूम है किन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे, जिनके लिए हमने भी टेलीविज़न पर बहुत गाली गलौज किया हमने लोगों से। और एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई कि एक साध्वी को पकड़ लो और एक आर्मी ऑफिसर को उसमें ये कर लो, तो एक उसका सिंबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई हो जाता है। अब वो क्योंकि बेकसूर थे वो सब छूट गए। लेकिन अभी अभी मुझे चर्चा हो रही थी, मैं अभी न्यूज़ नेशन के वो डिस्कशन में गया था तो लंच टाइम में कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वो विलेन जिसने पूरी हिंदू टेरर की रचना की गई थी और वो पीड़ित साध्वी शायद दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भोपाल में इलेक्शन लड़े। और मैं यही देखना चाहता हूँ, मैं यही देखना चाहता हूँ कि एक मेरी भाषा पर माफ़ कीजिएगा, वो लीचड़ आदमी को का मैं इलेक्टोरल ह्यूमिलिएशन देखना चाहता हूँ। तो 26/11 आपको बताया मैंने। तीसरी चीज़ जो मैं कहा, दाऊद इब्राहिम जो कंट्रोल करता है वो है क्रिकेट, और उसके टेंटेकल्स इतने फैले हुए हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का निसंदेह उनका मर्डर हुआ। आप सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका जो मर्डर जो था वो डायरेक्टली वो बेटिंग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था और दाऊद इब्राहिम से उसका रिश्ता था। अच्छा हाँ ओके। तो 26/11 का बताया मैंने। अब ये पुलवामा क्यों करवाया गया था? ये पुलवामा इसलिए करवाया गया था कि चुनाव के पहले एक बड़ा एक आत्मघाती हमला हो। टारगेट ऐसे चुना गया, टारगेट मैं पंद्रह मिनट टाइम और लूँगा और मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा प्लीज़। हाँ, और इसको ले जाइए चिट को। ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ, टारगेट इस तरीके से चुना गया था कि चुनाव का वक्त है, सरकार जो है मौजूदा सरकार वो इलेक्टोरल मोड में है, इलेक्शन मोड में है। टारगेट इस तरह से चुना गया कि जिसमें 10 प्रांत के हमारे जवान थे CRPF के, उनको निशाना बनाया गया आत्मघाती हमले से। कैलकुलेशन ये था कि जब ये लाशें जाएंगी मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान के, तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो हीरो से ज़ीरो बन जाएंगे। और उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि इसका कोई इस तरीके का बालाकोट जैसा रिटेलिएशन होगा। तो ये देखिए, मैं ये दो आपको मैंने उदाहरण दे दिए, और ये आप 26/11 देख लो कितने महीने पहले चुनाव के हुए थे, और ये भी देख लो ये वाला पुलवामा कैसे हुआ है। और 2014 के पहले
जब मैं गांधी मैदान में मौजूद था उस समय मोदी साहब आए थे, सॉरी 2013 अक्टूबर में, और मेरी मौजूदगी में वहाँ बम फट रहे थे और एक जो सुसाइड बॉम्बर था उस समय भी आत्मघाती हमले से मतलब उनको क्षति पहुँचाने की कोशिश थी, लेकिन वो खुद ही अल्लाह को प्यारा हो गया, वो खुद ही को डिटोनेट कर लिया एक्सीडेंटली। तो ये देखो ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, और ये सिलसिला जो है ये आदत कैसे लगी ये पाकिस्तान को, ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की ये आदत लगी है कश्मीर से। कश्मीर में पहले वो, और देखो विडंबना देखो, उस दिन वो आपके फरूक अब्दुल्ला डायनेस्टिक पार्टीज और डायनेस्टिक रूल को बड़ा डिफेंड कर रहे थे। एक देशद्रोही का बेटा, एक देशद्रोही जो कि कई साल सलाखों के पीछे इसलिए काटा क्योंकि उसको उनके मेंटोर जो नेहरू थे उनको ही पता चला कि ये देशद्रोह का काम करा, और उसका अरे ये देश बड़ा अजीब है साहब, ये देश बड़ा अजीब है, उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो आदमी आज डायनेस्टिक रूल को डिफेंड कर रहा है और कहता है कि हम तो बचपन से सियासत देखे हैं, तो बचपन से देशद्रोह भी देखा है। और फिर एक शख्स मुख्यमंत्री होते हुए अपनी बेटी का एबडक्शन करवाते हैं और ग्लोबल जिहाद को अंदर अंदर बुलाते हैं इंडिया में, और उसकी बेटी भी मुख्यमंत्री बन जाती है। तो जब इस तरीके से, और उसके बाद क्या होता, अभी जब इलेक्शन हुए जेएनके में तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को धन्यवाद देता हूं ये बड़े शांतिपूर्ण और सफल इलेक्शंस के लिए। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई, वहां से ये पूरा जो मैनिपुलेशन है पॉलिटिक्स का ये शुरू हुआ है। और अब बात कहां तक आ गई, आपके एक पार्टी नई पार्टी पंजाब में जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, 1400 करोड़ रुपया आईएसआई ने खर्च किए थे, 1400 करोड़ रुपया, और उस समय जो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनको मैं एक बहुत बड़ा पेट्रियॉट मानता हूं, वेरी अनलाइक हिज पार्टी मैन, उन्होंने और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इस देशद्रोही को नहीं आने देना है, नहीं तो 1400 करोड़ रुपया आईएसआई ने इस पे खर्च किया था, और वो देशद्रोही अभी फिर लड़ने जा रहा है वहां पे। और आप गौर करना कि ये देशद्रोही ये बॉर्डर स्टेट्स में ही क्यों जाता है, या तो नेशनल कैपिटल रीजन और या नहीं तो बॉर्डर स्टेट्स। अब आप बताइए कि जब सिद्धू साहब जब गले मिल रहे थे बाजवा से और इमरान खान से, उस समय 26/11 के तरह ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी वहीं पे भावालपुर में, ज्यादा दूर नहीं है, वहां के स्विमिंग पूल में डीप सी डाइविंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिद्धू साहब को ये इसकी चिंता नहीं है कि पूरा पंजाब जो है किस तरह से पाकिस्तान ने उसको ड्रग्स में डुबो दिया है, वहां के जो यूथ है उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और वो तो इमरान खान को स्टेट्समैन बोलते हैं। तो ये खतरा देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समस्या जो जेएनके से शुरू हुई है वो किस तरीके से अब पूरे कंट्री का वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। और फिर भी अगर आपको शक है तो आपने वो दृश्य देखा होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, टुकड़े टुकड़े वाली, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ अफगानिस्तान के बैटलफील्ड्स में, और जब सोवियत फोर्सेस रिट्रीट कर गए, तो वह हारी हुई विचारधारा या हारी हुई फोर्सेस यानी कि कम्युनिस्ट और जो जीती हुई विचारधारा थी जिहादीज, दोनों ऐसे अग्रसर हो गए इंडिया पे
और फिर दोनों का समागम हो गया और उसी का समागम आपने वहां पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। तो मेरी बात, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि मुझे कहा गया था जल्दी खत्म करने के लिए कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के द्वारा संचालित ये प्रॉक्सी वॉर आपके पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया कर रहा है। और आखिरी सवाल आप अपने से पूछेंगे कि ये चाइनीज़ का क्या रोल है इसमें। तो देखिए चाइनीज़ का क्या है कि आप लोगों ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सुना है ना। तो बेल्ट रोड जैसे सिल्क रूट रूट जो था पहले, सिल्क का जो रूट था वो ट्रेड रूट था, केवल व्यापार के लिए था। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, ये केवल ट्रेड रूट नहीं है। इसमें क्या है कि जो जो टारगेट कंट्रीज हैं उसके इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। क्यों इंटीग्रेट करना? क्योंकि अगर आप चीन का मैप देखोगे तो शंघाई से जिंगजियांग प्रोविंस जो कि पाकिस्तान से और इससे अफगानिस्तान से लगता है, कजाकिस्तान से, उसको प्रॉस्परस बनाना बहुत मुश्किल है। तो उसको नए वो चाहिए, पाइपलाइंस चाहिए, उसको नए रोड चाहिए, नए आउटलेट चाहिए। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो उसमें कई देश हैं ऐसे, कुछ देश हैं जो कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको स्वीकार कर लिया, कुछ देश ऐसे हैं जो कि उस पूरे बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अभी भी ना इधर है ना उधर है, लेकिन वो पोटेंशियल हैं, मतलब वो पोटेंशियल क्या एलाइज हैं BRI में। और एक हमारे जैसे देश हैं जो कि बिल्कुल हमने उसको नकार दिया है। तो ये एक गेम चल रहा है कि जैसे जैश मोहम्मद और पाकिस्तान ये को लेकर चाइना और पाकिस्तान में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि तुम जो मर्जी कर लो, जिंगजियांग प्रोविंस में दाढ़ी बैंड है, जिंगजियांग प्रोविंस में बुरका बैंड है, 5 लोग से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, टोपी बैंड है, मोहम्मद राम नाम रखना बैंड है, उसके बारे में कोई हिंदुस्तान का मुस्लिम नेता नहीं बोलता, कोई कम्युनिस्ट नहीं बोलता, कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन नहीं बोलता, ना कोई जिहादी तंजीम के हेड बोलते हैं। ये क्यों उनका? और जब हम ये बात उठाते हैं क्यों नहीं वो चुप्पी क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान से नफरत नहीं, उन्हें हिंदुओं से नफरत। और इनका अरेंजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे, वो पाकिस्तान का बड़ा जलवा है वहाँ, बड़ा वजूद है OIC में, जैसे वो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका है कि भैया ठीक है यार, तुम मसूद अजहर को देखना यार, कुछ मत होने देना, ठीक है। और चाइना ये भी समझता है कि जब तक ये तंजीमें रहेंगी तब तक कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ हम कुछ लिवरेज करते रहेंगे। अब जब वो तंजीमें पालते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी कुछ तंजीमें पालता होगा, है कि नहीं? तो आप इसको इस नज़रिए से देखो। मेरा इतना ही आज लिमिटेड पॉइंट है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है इसका स्वरूप देखिए, दिस हैज़ गॉट हॉरिबली मिक्स्ड विथ पॉलिटिक्स। और इसमें ये केवल सिक्योरिटी का वो नहीं है, केवल सिक्योरिटी का फैसेट नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल फैसेट है, इसमें इकोनॉमिक फैसेट सबसे बड़ा है। भाई आपने एक पुलवामा में अटैक किया, देखिए उसका रिप्रेजल हुआ बालाकोट में, वही नहीं हुआ आपकी इंडियन नेवी कोई 70 जहाज़ों के साथ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रही थी बे ऑफ बंगाल में, वो मूव किया अरेबियन सी में, आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव किए। तो आप ये टोटल कॉस्ट फैक्टर देखो ये प्रॉक्सी वॉर का। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कि जो आपका सर है कश्मीर, इसमें एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत है और मोदी साहब को वो न्यूरोसर्जन का काम करना होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।